my channel Miss Craving and welcome back to my new video guys. And my name is Naina. I hope आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे and मेरी videos को enjoy कर रहे होंगे. तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 4 टाइप्स ऑफ पुलाव जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाने में और खाने में तो ओ माई गॉड एकदम लाजवाब. तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सारी मेकिंग के बाद आपको टेस्ट भी दिखाऊंगी. आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है गाइस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक मिनट गाइस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लेट मी टेल यू गाइस, आई एम मेकिंग द वीडियोस फॉर फूड एंड ट्रैवलिंग. एंड अभी तक की मेरी आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए. एंड वन थिंग मोर गाइस, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरा लीशियस 24 आवर्स चिकन चैलेंज नहीं देखा है तो देर किस बात की है गाइस, जाइए देखिए. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस चलिए हम लोग अपना पोटैटो और अनियन पुलाव स्टार्ट करते हैं बनाना. इसके लिए पैन में ऑयल लीजिए, अनियन डालिए काट के, रफली चॉप्ड अनियन डालने हैं आपको. उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा अनियन सॉटे हो जाए उसके बाद हमें डालना है पोटैटो और हरी मिर्च और उनको थोड़ा सा ढक के 5 मिनट के लिए रख दें ताकि आलू जो है वो गल जाए अच्छे से. उसके बाद हमें डालना है सॉल्ट, रेड चिली, टर्मरिक. उसके बाद सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हमें इसमें डालना है राइस और सारे फ्लेवर्स को राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा अनियन एंड पोटैटो पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है. इसके ऊपर जो है कोरिएंडर डाल दीजिए गार्निश करने के लिए. देखा आप लोगों ने कितना ही ज़्यादा ईजी था, जितना ये ईजी है बनाने में उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है. तो चलिए गाइस अब हम लोग गाजर और मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमें लेना है पैन में ऑयल, उसमें डालना है हमें राई और जीरा, उसको थोड़ा सा तड़का लगाना है. तड़का आ जाने के बाद हमें डालनी है गाजर, उसके बाद हमें डालना है मटर. दोनों को हिलाते हुए हमें इसको गला लेना है, बीच बीच में हिलाते रहे ताकि वो चिपके ना. उसके बाद हमें इसमें डालनी है हरी मिर्च एंड नमक. इसमें कोई और मसाले मैंने यही नहीं यूज़ किए हैं, आप चाहें तो रेड चिली यूज़ कर सकते हैं बट मुझे थोड़ा सिंपल रखना था इस पुलाव को इसलिए. इसके बाद हम डाल देंगे राइस और अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है. तो गाइस चलिए अपना मैक्रोनी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमें लेना है ऑयल और थोड़ा सा बटर एंड उसमें हमें डालने हैं रफली चॉप्ड अनियंस. अनियंस को हल्के से सॉटे हो जाने के बाद हमें डालना है कैप्सिकम, जो है कैप्सिकम भी हल्के से सॉटे कर लीजिए. उसके बाद डालने हैं हमें टमाटोस. इसमें आप कॉर्न भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं. अब सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. हल्के से सॉटे हो जाने के बाद सारी सॉसेस डालनी है हमें, जैसे शेजवान सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस. उसके बाद हमें डालने हैं सारे मसाले जैसे सॉल्ट, रेड चिली, मैगी मसाला. उसके बाद डालने हैं राइस, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है. गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चिली पनीर पुलाव बनाना. जिसके लिए हमें लेना है कॉर्नफ्लोर, उसमें डालना है थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना लीजिए एंड पनीर के पीसेस डाल दीजिए और उसके बाद उसको फ्राई कर लीजिए. पनीर को फ्राई करने के बाद उसके बाद हमें उसकी बनानी है ग्रेवी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमें लेने हैं अनियंस. अनियंस को जैसे मैंने कट किया है वैसे ही कट कीजिएगा. हमें लेना है पैन में थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालने हैं अनियंस. अनियन हल्के से सॉटे हो जाए उसके बाद हमें डाल देने हैं कैप्सिकम. कैप्सिकम भी हल्के से सॉटे हो जाए उसके बाद हमें डालने हैं सारे सॉसेस लाइक शेजवान सॉस, चिली सॉस एंड टमाटो सॉस. गाइस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा. सारे पुलाव के मेकिंग के बाद मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाने वाली हूँ तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल दी एंड. सो गाइस उसके बाद हमें डालने हैं सारे मसाले लाइक सॉल्ट, रेड चिली, मैगी मसाला एंड चिली पनीर मसाला. उसके बाद जो हमने पनीर फ्राई किया था वो डालेंगे एंड उसके बाद राइस डालेंगे. उसको मिक्स करने के बाद ऊपर से हम डालेंगे ओरिगानो मसाला और हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है. सो गाइस हमारे यम्मी पुलाव बन के आ गए हैं.
तो टेस्ट करने का टाइम आ गया है हमारे यमी पुलाव का। ऑलरेडी इसकी मेकिंग जो है वो ऑलरेडी आपने देख ली है। तो सो गाइस, इनमें से अगर आप कोई भी पुलाव की रेसिपी अगर अपने घर पे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइस, मैं इसका टेस्ट करके आपको सबका टेस्ट बता देती हूँ वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसे स्टार्ट करें, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट पुलाव रेसिपी मैक्रोनी पुलाव। सो से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मस्त बना है एकदम। जो हमने इसमें सेजवान चटनी डाली थी वो इतना अच्छा फ्लेवर दे रही है, स्पाइसी सा फ्लेवर दे रही है, बिल्कुल एक जो है बाहर जैसे हम खाते हैं जो है फ्राइड राइस, बिल्कुल वैसी ही मैक्रोनी फ्राइड राइस जो है फ्लेवर दे रही है। तो बहुत ही अच्छा बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। तो सो गाइस, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई माय मॉम्स फेवरेट रेसिपी जो है अनियन एंड पटैटो पुलाव। तो आपने इसकी मेकिंग ऑलरेडी देखी, तो इसमें अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। हमने इसमें ग्रीन चिलीज भी डाली है बहुत सारी एक इंडियन फ्लेवर देने के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। और कोरिएंडर भी डाला हुआ है बहुत सारा, बिकॉज कोरिएंडर के बिना हमारा जो इंडियन पुलाव होता है वो अधूरा होता है। तो लेट्स टेस्ट दिस। गाइस, अनियन का फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। अनियन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है इसमें। गाइस, अब ट्राई करते हैं अपना गाजर मटर पुलाव, जो सर्दियों में बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है पुलाव में। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें मेकिंग में आपने देखा था कि मैंने राई का यूज़ किया था, और राई का जो फ्लेवर आ रहा है ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस, राई डालना बिल्कुल मत भूलिएगा पुलाव में। गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट माय चिली पनीर पुलाव, जो बहुत ही मस्त बनता है, मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। एकदम मस्त बना, इतना मस्त टेस्ट आ रहा है शेजवान चटनी का और सारी सॉसेस का, बहुत ही ज़्यादा। बस पनीर मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा और क्रिस्पी होना चाहिए था, आई डोंट नो, थोड़ा सा सॉगी की हो गया, आई थिंक रख के हो गया। तो गाइस, अगर आपको इसमें से कोई भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपको इनमें से वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, और कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए मैं आपको बाय, गुड नाइट और टेक केयर बोलती हूँ। मैं आपको फिर से मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।